हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आरएस अग्रवाल मैथ से ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का आज पार्ट 7 करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चंस आपका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, तो जो भी वैल्यू होता है 0 डिग्री, मतलब ये आपको 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, इतना तक आपको याद होगा, यानी कि ये आपका 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन 11th क्लास में भी आपको ये पढ़ाया गया होगा, ये भी आपको आना चाहिए, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, उसी प्रकार से 15 डिग्री, और 15 डिग्री के बाद आपको 30 डिग्री तो लिखे ही हैं, 45 डिग्री भी लिखे हैं, यानी कि 75 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री भी आना चाहिए, और भी आना चाहिए 37 डिग्री, और 37 का जो यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी कहने का मतलब 90 में से 37 घटाएंगे, उसी प्रकार से ये सारा वैरायटी मतलब आपको आना चाहिए, जो मेन मेन है हम उसे अंडरलाइन कर रहे हैं, 37 डिग्री वाला आना चाहिए, 15 डिग्री वाला आना चाहिए, 18 डिग्री वाला आना चाहिए, और ये तो आपको आना चाहिए। इस बुक के सारे क्वेश्चंस इस 10th क्लास बेस्ड है, ये आपको ध्यान रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन आगे के लिए हम इसका सभी का स्पेशल वीडियो देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो स्पेशल पढ़ाएंगे उसमें, यहाँ पर जितना जरूरत है उतना ही बताएंगे। जैसे ये वाला 10th क्लास बेस्ड ये आपका क्वेश्चंस दिया गया है आरएस अग्रवाल बुक में, वो हम उतना ही बताते हैं इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो मतलब स्पेशल वीडियो देंगे जिसमें सभी का वैल्यू हम आपको स्पेशल बताएंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है, यदि और केवल यदि तभी होगा जब ए और बी दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका यूज करके आपको ये सारा बन जाएगा, जैसे यहाँ पर साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो कॉस में किसका 0 होगा, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 0 और 90 का योगफल 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस में किसका मान 1 होता है, तो 0 डिग्री का, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का। उसी प्रकार से साइन 60 का मान होता है √3/2, उसी प्रकार से कॉस 30 का मान होगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़कर 90 हो रहा है, तो इसका भी मान होगा √3/2, मतलब ये दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सभी में देख सकते हैं इस वैरायटी के रहे तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू इस प्रकार से याद कर सकते हैं। साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4, उसी प्रकार से साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2, तो सभी हम आपको स्पेशल वीडियो में बताएंगे जो स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का होगा। यहाँ बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं तो जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं, तो 0, 30, 45, 60, 90, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन और कॉस के लिए, टैन के लिए आप एक फॉर्मूला भी जानते होंगे, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका यूज कर लेंगे अगर जो नहीं टैन को आज है तो। जैसे हमें अगर जो निकालना रहे टैन 60 डिग्री, तो साइन 60 बटे क्या कर देंगे, कॉस 60, जिनको नहीं याद है वो, ऐसे तो टैन 60 √3 होता है, सभी को पता है, तो साइन 60 का मान देख सकते हैं कितना होता है √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1 का मतलब √3, तो इस प्रकार से आप जिनका भी टेन का नहीं याद है वो साइन अपॉन कॉस करेंगे, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला हो टेन के लिए हम लिख भी देते हैं, टेन 0 कितना होता है, टेन 0 0 होता है, उस पर उसके बाद टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, कॉट 45 इसका उल्टा भी 1 होगा, ये तो पता होगा, टेन 60 कितना होगा, अभी हमने निकाल कर बताया √3 होता है, और टेन 90 अनडिफाइंड होता है, यानी कि जिसे अपरिभाषित बोलते हैं। तो जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं, मतलब इतना से ही आपका ये चैप्टर आरएस अग्रवाल बुक मैथ में जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो कंसेप्ट लिखा गया है इसका भी यूज करना है तो कुछ क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 58, देखते हैं क्वेश्चंस नंबर आज का फर्स्ट पार्ट 7 वीडियो है इसका, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आज का 58 नंबर, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4, टैन 45 एक होता है, तो कॉट 45 एक का उल्टा एक ही होगा, यानी कि 4 × 1 का स्क्वायर, माइनस सेक हमें चाहिए, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 2/1, कहने का मतलब 2,
तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, अब इसे हल कर देंगे तो 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 होगा, प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका सिर्फ 1 बटा 4 जो आपका दूसरा ऑप्शन यानी कि बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 3 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है, उसके बाद cot 30 का मान 35 होता है 1 बटा रूट 3, तो cot 30 कितना होगा रूट 3, उसके बाद sin 45 1 बटा रूट 2 होता है, तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहां देखिए 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 2। अब इसे हल कर देंगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस ये 6 और माइनस ये कितना है 5/2, तो ये दोनों को एक साथ हल कर देते हैं कैसे, जो देखिए बेस सेम करके यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना देते हैं 2 से गुना करके, तो यहाँ 2 से गुना करना होगा ऊपर, तो ये कितना हो गया ये आपका हो गया 10 बटा कितना हो गया 4, तो 3/4 में से 10/4 घटाएंगे, 3/4 में से 10/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 3/4 में से 10/4 घटाइएगा तो 7/4 होगा माइनस में, और आगे पहले से ये दिया है कितना दिया है 6, तो प्लस 6 हम पहले ही लिख देते हैं और माइनस 7/4 लिखते हैं। अब यहाँ पर से एक लाइन और पढ़ सकते हैं इस प्रकार से कि 6 चौके 24, 24 में से 7 घटाइएगा तो 24 में से 7 घटाइएगा तो 17 होगा, इतना बटा 4, 24 में से 7 घटाइएगा तो 17 होगा, 17/4 आपका, या जैसे चाहे एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं, तो 17/4 आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, जैसे चाहे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद देखिए 60, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, sec स्क्वायर 60, cos 60 होता है कितना 1/2, तो sec 60 कितना होगा 2/1, कहने का मतलब 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, एक्स टैन 45, इसमें एक्स का मान पूछ रहा है, टैन 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, cot 60 का मान, टैन 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान होगा 1/√3, इस प्रकार से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बराबर के दोनों तरफ नीचे में 2 है तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अब बचा सिर्फ इधर x और इधर बचा कितना 1, तो x का मान 1 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर कितना है फर्स्ट, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, टेन स्क्वायर 45, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर x गुना साइन 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, एक स्टेप और नीचे की ओर जाते हैं तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा √3/4, और यहाँ पर बराबर x गुना 1/√2 गुना 1/√2, तो √2 गुना √2 2 होता है, और यहाँ देखिए इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/4, या ऐसे भी घटाते हैं 4 में से 3 जाएगा, तो 1/4 बराबर x बटा कितना हो गया 2, और ये 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 2 4, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 1/2 बराबर x बटा 1, यानी कि x का मान कितना हो गया 1/2, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है 1/2 ऑप्शन नंबर सी है, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, tan x बराबर 3 cot x, तो x का मान बताइए, इसका मेथड फर्स्ट तो आपका ये है कि क्या बना सकते हैं इसे बाई ऑप्शन, और मेथड सेकेंड है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, मेथड सेकेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, दोनों को एक में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब cot को tan में बदल लीजिए या tan को cot में बदल लीजिए, तो हम cot को tan में बदलते हैं, मतलब ये tan x बटा 1 रहने देते हैं इसे, और 3/1 गुना इसे लिख सकते हैं cot x को 1/tan x, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नीचे में tan x है इधर गुना हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब tan स्क्वायर x बराबर ये 3, तो tan स्क्वायर x बराबर 3, तो यहाँ पर से tan x बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर इस तरफ जाता है तो √3, अब tan में किसका मान √3 होता है तो 60 डिग्री का, मतलब tan 60 कितना होता है √3, तो दिख रहा है क्लियरली कि x के जगह पर कितना होगा 60 डिग्री, या इसे आप रेडियन में बोल सकते हैं, आंसर तो आपका डी नंबर ऑप्शन है, रेडियन में बोलेंगे तो π/3 कितना होगा रेडियन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक रूल बताया था साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा, जब ए और बी दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर से हम रूल भी लिख देते हैं, इसका रूल क्या होता है कि
साइन ए बराबर कॉस बी, ये कब होता है? जब ये दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ ये फॉलो कर देंगे, मतलब यहाँ पर ये दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि 2a + 3a बराबर 90 डिग्री। तो 5a बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो 18 × 5 = 90, यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा आपका। a का मान कितना हो गया 18 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए हमने बताया था कि जैसे साइन 30 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस में किसका होगा, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 90 होने के लिए 60 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों का मान कितना होता है 1/2। आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री + 60 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री साइन और कॉस में 90 डिग्री जोड़कर हो रहा है, तो दोनों का मान सेम होगा, यानी कि 30 + 60 तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2a + 3a = 90 डिग्री, तो 5a = 90 डिग्री, a = 18 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 64 के बाद 65 क्वेश्चंस नंबर देखिए 65। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। इसका मेथड फर्स्ट आपको बताते हैं 11th के तरीका से, मतलब फर्स्ट ईयर 11th क्लास 12th जाते हैं तो 11th में जो पढ़ते हैं उसका यूज करके। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन ए माइनस बी का, यही नीचे लिखते हैं साइन ए माइनस बी का, ये आपका फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर जो यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पर ए की जगह पर आपको देखना चाहिए ए बराबर कितना दिया गया है, ए की जगह पर है 60 डिग्री और बी की जगह पर दिख रहा है कि कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला में रखेंगे तो साइन 60 डिग्री - 30 डिग्री तो आपका कितना हो जाएगा, साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री होगा, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसका मेथड सेकेंड भी यहाँ बता ही देते हैं। देखिए मेथड सेकेंड वैल्यू से, मतलब वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं। जैसे साइन 60 का मान कितना होता है 3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है ये भी होता है 3/2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 भी 3/2। माइनस यहाँ देखिए कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2, तो यहाँ पर से √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और नीचे 2 × 2 तो 4, 3/4 माइनस 1 × 1 ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 × 2 4 हो गया, 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4 बचेगा, और ये 2/4 कहने का मतलब कितना हो गया 1/2, तो 1/2 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेथड आपका सेकेंड भी अच्छा है, अगर जो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 66। ये आपका कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है, आपको वैल्यू पुटिंग से ही बनाना होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, cosec 60, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 कितना होगा 2/√3, प्लस tan 60 होता है √3/1 लिख सकते हैं, और sec 30 तो cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। यहाँ हल कर सकते हैं तो ये 2/ कितना हो जाएगा √3 × √3, तो 3, प्लस ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2/3, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, और इसे पूर्णांक में डायरेक्ट लिखा जाता है, पता होगा जब ऊपर वाला छोटा नीचे बड़ा है तो अब भाग नहीं लगेगा, मतलब 2 × 2/3 लिख सकते हैं, जिसे पूर्णांक में लिखे इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6 और 2 = 8/3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। टैन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 90 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। कॉट 60, टैन 60 होता है कितना, टैन 60 होता है आपका 1/√3 सिर्फ √3 होता है, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर लिखे हैं। tan 60 होता है √3, तो cos 60 होगा 1/√3, तो cos 60 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो ये 1/4 × 1/2, प्लस ये 4 × कितना हो जाएगा 1/3, प्लस 1/2 × 1 का स्क्वायर, तो 1/2, ये 1/8 × कितना हो जाएगा 1/3। अब और हल कर लेते हैं तो ये 1/8 हो गया, ये 4/3 हो गया, ये 1/2 है, और ये 1/ कितना है 8 + 24 है,
एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 8, 3, 2, 24 का एलसीएम 24 से ले सकते हैं, और यहाँ पर 8, 3, 24 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, 8, 24 तो 8, 4, 32 हो जाएगा, फिर 2 से 12, 2, 24 हो जाएगा, और 24 से कम 24 हो जाएगा। अब जोड़ सकते हैं ऊपर, तो 12 और 3, 15, 12, 3, 15 हो गया, 15, 1, 16 हो गया, 32 और 16 कितना होता है 48, तो 48/24, कहने का मतलब 24 × 2 = 48, यानी कि 2 आपके प्रश्न का आंसर है, जो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, मेथड फर्स्ट बता रहे हैं 11th क्लास से, मतलब cos a into cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए प्लस बी का होता है, यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है, अगर जो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस है क्वेश्चन में तो प्लस लेकर बनाएंगे, कहने का मतलब कॉस ए प्लस बी, तो दिख रहा है क्लियरली कि ए की जगह पर कितना दिया गया है आपको 60 डिग्री, और बी की जगह पर कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो कॉस 60 प्लस कितना हो जाएगा 30, कॉस 60 प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 डिग्री आपका आंसर है, कॉस 90 का मान 0 होता है डिजिट में, तो 0 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मेथड सेकेंड इसका बता रहे हैं, मेथड सेकेंड में यहाँ पर कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो हल कर देंगे एक स्टेप और, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 और माइनस ये कितना हो जाएगा √3/4, ये भी तो √3/4 प्लस में है और ये माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 0 आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है क्लियरली। इसके बाद देखते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन नंबर, देखिए 69 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस बी का, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस रहता है, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, तो यहाँ पर दिखना चाहिए क्वेश्चंस में ए की जगह पर आपको दिया गया है 60 डिग्री एंड बी की जगह पर दिया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टैन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री होगा, और टैन 30 का मान होता है 1/√3, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस नंबर आपका था कितना देख सकते हैं 69, यहाँ पर अगर जो प्लस वाला रहे तो अगर जो यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर आपका प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मेथड फर्स्ट हमने बताया, मेथड सेकंड देखिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, टैन 60 का मान कितना होता है 1/√3 माइनस टैन 30 का मान, टैन यहाँ पर लिख रहे हैं टैन 30 का मान होता है 1/√3, टैन 60 का मान कितना होता है √3 माइनस टैन 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए टैन 60 का मान होगा √3 और टैन 30 का मान होगा 1/√3, तो ये तो 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में देखिए √3 × √3 तो 3 माइनस 1/√3 होगा, और नीचे में 1 + 1 हो गया, ऊपर देख सकते हैं कि 3 माइनस से कितना होगा 2 होगा, तो 2/√3, और नीचे इसे लिख सकते हैं 2, 1, 1, 2 या 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 2/√3 × 1/2 होगा, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, जैसे चाहे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, cot 30 तो tan 30 होता है कितना 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, tan 30 1/√3 तो cot 30 √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस cos 30 तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर, इसके बाद देखिए 3/4 इंटू sec 45 cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए cos 30 sin 30 होता है 1/2 तो cos 30 होगा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, अब इसे हल कर लीजिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये कितना होगा 3/4, ये
कितना हो जाएगा रूट दो का स्क्वायर दो और प्लस एक बटा चार गुना दो का स्क्वायर चार, ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा यहां लिख रहे हैं देखिए, थ्री माइनस ये हो जाएगा आपका थ्री बाई टू और माइनस ये भी आपका कितना है थ्री बाई टू, ये भी आपका थ्री बाई टू ही है और ये प्लस कितना है चार से चार कैंसिल हो जाएगा तो एक। अब आपको ये पता होगा तीन बटा दो का मतलब डेढ़ होता है, तो डेढ़ और डेढ़ तीन मतलब माइनस डेढ़ और माइनस डेढ़, तो माइनस में तीन यानी कि तीन माइनस तीन प्लस एक, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ प्लस एक। कहने का मतलब एक आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना है बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका था कितना 70। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर देखिए 71, टू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है एक बटा दो, तो दो गुना एक बटा दो का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान होता है एक बटा रूट दो, तो एक बटा रूट दो का स्क्वायर, साइन 30 का मान होता है एक बटा दो, तो एक बटा दो का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचा आपका कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस 90 भी जीरो होता है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए दो गुना ये एक बटा चार हो जाएगा प्लस तीन गुना ये एक बटा दो हो जाएगा और तीन गुना एक बटा चार हो जाएगा और प्लस ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, तो ये दो बटा चार प्लस दो बटा चार को हम लिख सकते हैं एक बटा दो, कैंसिल ही कर देते हैं, मतलब इसे लिख देते हैं एक बटा दो प्लस ये तीन बटा दो और माइनस कितना तीन बटा चार। तो यहां देखिए तीन बटा दो का मतलब डेढ़ होता है, एक बटा दो का मतलब आधा होता है, तो डेढ़ और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा दो होगा, यानी कि दो माइनस तीन बटा चार, तो चार दुनिया आठ में से तीन जाएगा तो पांच बटा चार, इसे लिख सकते हैं एक पूर्णांक एक बटा चार, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका सी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ये आपका इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और आंसर हर दोनों में दिया गया है, तो पहले यहाँ पर इस प्रकार से ड्रा कर देते हैं। टेन साठ का मान कितना होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान होता है एक बटा रूट दो, तो एक बटा रूट दो का स्क्वायर, कॉसेक 60 साइन 60 होता है रूट तीन बटा दो, तो ये होगा दो बटा रूट तीन का स्क्वायर। इसके बाद कॉस 90 इसका मान जीरो होता है। इसके बाद देखिए कॉसेक 30, तो साइन 30 एक बटा दो, तो कॉसेक 30 कितना होगा दो, सेक 60 कॉस 60 होता है एक बटा दो, तो ये कितना होगा दो होगा, यहाँ 60 बटा तीन, कॉट 30 टेन 30 होता है कितना टेन 30 होता है एक बटा रूट तीन, तो कॉट 30 कितना होगा रूट तीन, यानी कि रूट थ्री का, यहाँ भी आपको समझ में आना चाहिए रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा प्लस ये रूट थ्री का स्क्वायर हमने थ्री लिखा प्लस फोर इंटू वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू होगा प्लस यहाँ पर देखिए तीन गुना और दो बटा रूट तीन का स्क्वायर दो दूनी चार रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, यानी कि तीन गुना चार बटा कितना होगा तीन होगा और प्लस दो गुना जीरो का स्क्वायर मतलब दो गुना जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए दो दूनी कितना हो जाएगा चार प्लस ये तीन, ये तो चार लिखे हैं, ये तीन दूनी छह हो गया और ये सात बटा तीन और गुना रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। यहाँ पर जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, यहाँ देखिए दो से दो दूनी चार कैंसिल हो जाएगा, तीन से तीन एकम तीन एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये तीन से तीन भी एक बार में कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा लिखिए यहाँ पर ऊपर में क्या बचा थ्री प्लस दो गुना एक तो दो, उसके बाद प्लस एक गुना चार तो चार और दो गुना जीरो तो जीरो, नीचे में चार प्लस छ माइनस चार प्लस छ, यहाँ पर माइनस होगा, देखिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस सात लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चार दो छ तीन नौ, तो नौ नीचे में छह चार दस में से सात जाएगा तो तीन, तो तीन तीन नौ, यानी कि तीन इस प्रश्न का आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 72। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन